पंजाब दी विधानसभा चोणां लई ऐतवार नूं कुल 117 सीटां उत्ते वोटिंग मुकम्मल हो गई, जिस दे तहत 117 सीटां लई 1304 उम्मीदवार चोण मैदान सन, जिन्हां दे सियासी भविख दे लई पंजाबियों ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। यानी हुण सारे 1304 उम्मीदवारां दी किस्मत ईवीएम च कैद हो गई है, जिस दे नतीजे 10 मार्च नूं ऐलाने जाने ने। जेकर गल पंजाब भर च हुई कुल वोट फीसदी की जाए तो पंजाबियों ने बंपर वोटिंग की है। जानकारी के मुताबिक यह अंकड़ा 70% तो पार जा रहा है। जेकर पूरे दिन की वोटिंग रफ्तार की की जाए सवेरे 9 बजे महज 5% वोटिंग हुई सी, जदों कि 11 बजे तक 18%, इसे तरह दोपहर 1 बजे तक यह अंकड़ा 34% तक पहुँच गया, जदों कि दोपहर 3 बजे तक पंजाब के लोगों ने 50% वोटिंग की, शाम होंदिया 5 बजे तक यह अंकड़ा 63% हो चुका सी। इसे तरह शाम 5 बजे तक सारे जिले च हुई वोटिंग के अंकड़े की गल की जाए, अमृतसर च 57%, बरनाला च 68%, बठिंडा च 69%, फरीदकोट च 66%, फतेहगढ़ साहब च 67%, फाजिलका च 70%, फिरोजपुर च 66%, गुरदासपुर च 65%, होशियारपुर च 62%, जलंधर च 58%, कपूरथला च 62%, लुधियाना च 58%, सब तो वध मानसा च 73%, मोगा च 59%, पटियाला च 65%, संगरूर च 70%। खैर यह अंकड़ा देर रात तक कितने वध हो गया। फिलहाल पंजाबियों का फैसला ईवीएम च बंद हो चुका है। पंजाब विधानसभा चोणां लई लगभग 2.14 करोड़ लोगों ने 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला किया है, जिन्हां च 93 उम्मीदवार औरतां शामिल ने। तो हुण पंजाब दे लोग किसनूं सत्ता की चाबी देणगे ते किहड़े लीडर नूं विधानसभा दीआं पौड़ियां चढ़ाउणगे, 10 मार्च नूं ईवीएम खुलण तों बाद साफ होवेगा।